हमारे साथ कांग्रेस के व इनेलो के दो वरिष्ठ नेता हैं और उनसे हम बात करेंगे विपक्षी एकता के साथ साथ भाजपा के पिछले चार वर्षों में कार्यों पर, इनकी क्या राय है। हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता पंडित उषारीलाल शर्मा जी व इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जसवीर सिंह जस्सा जी। जहां पूरे देश में कांग्रेस को धुरी बनाकर पूरे विपक्ष की एकता हो रही है, वहीं हरियाणा में शायद ये संभव नहीं लगता। तो हम जानेंगे इन दोनों वरिष्ठ नेताओं से विपक्षी एकता के बारे में। लेकिन पहला प्रश्न पंडित उषारीलाल शर्मा जी से, पंडित जी, चार वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को आप कहाँ आंकते हैं? चार साल हो गए बीजेपी की हरियाणा में सरकार बने हुए और केंद्र में सरकार बने, साढ़े चार साल के लगभग हो चुके। एक भी 154 वायदे इन्होंने किए थे चुनाव से पहले। मोदी जी कहते थे मेरा 56 इंच का सीना है, एक हमारा शहीद हुआ जवान तो मैं पाकिस्तान के 10 जवानों का सिर काट के जाऊंगा, नहीं तो वो 56 इंच का सीना सुकड़ गया। हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं सर, एक भी पाकिस्तान कहते थे 10 सिर काट के जाऊंगा, एक की कभी भी कुछ नहीं हो रहा। मोदी जी इस बात पे चुप बैठे हैं, मन की बात बहुत करते हैं लेकिन इस बात पे मन की बात नहीं कर रहे। जनता जवाब मांग रही है, मोदी जी आप क्या कर रहे। चुनाव से पहले 15-15 लाख रुपए का वायदा किया था, भी मेरी सरकार बन गई तो मैं हर आदमी के खाते में 15-15 लाख डालूंगा। इसी तरह 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, एक साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा। बेरोजगारों को भत्ते की बात कही थी, बेरोजगारों को भत्ता दूंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात की थी, जब चुनाव नहीं हुए तब ये रोज जल से जुलूस करते थे किसानों को अपने, लेकिन जब इनकी सरकार बन गई तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को भूल गए। अनेक 154 वायदे किए थे उन्होंने, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया मोदी जी ने अब तक। पंडित जी स्वाय कागजों में गप्पे ठोकते हैं। जो मोदी अमित शाह से पूछा किसी पत्रकार ने, भैया आपने 15-15 लाख की बात की थी, तो अमित शाह ने कहा कि ये तो जुमला था, हर ये तो जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है। भैया ये तो 154 वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। हाथ ऊंचे करते हैं भाइयों बहनों ऐसे भाइयों बहनों में साढ़े चार साल दिखा दिए, धक्का भी तो ले उन्होंने 154 वायदों में। ये आज किस जो चुनाव होगा किस बात के लोग ये वोट मांगेंगे? जनता इंतजार करिए, जब भी चुनाव हो इनका सूखता साफ हो जाएगा, ठीक है, चाहे हरियाणा हो चाहे केंद्र। ठीक है पंडित जी, आपने कहा भी इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, हम दूसरे दौर में पूछेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले जसवीर सिंह जी, आपका क्या मानना है? जैसे पंडित जी कहते हैं अभी एक भी काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आप क्या मानते हैं? पंडित जी ने कुछ सही बातें भी कही है, लेकिन इनका भी 10 साल का जो शासन काल रहा है उन्होंने भाजपा ने उसको दोहराने का काम किया है। जो 10 साल के मनमोहन के नेतृत्व में सेंटर में और हुड्डा साहब के नेतृत्व में प्रदेश में रही है, तो भाजपा ने बिल्कुल उसको दोहराने का काम किया है। जहाँ तक वायदों की बात है पब्लिक से, 2014 के अंदर जो प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर के अंदर घोषणा पत्र इन्होंने घोषणा की थी मैनिफेस्टो की, और उसमें अनेक वायदे किए थे। केंद्र की बात तो मैं बाद में करूँगा, प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को दिखाया था और लेके किसी और को आए बाद में, और इन्होंने बच्चों से जो वायदे किए थे, ये प्लस टू जो बच्चे पास हैं उनको 6,000 रुपये मासिक उसकी सैलरी वगैरह देंगे, और जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 9,000 रुपये पर मंथ देंगे और 100 घंटे उसके बदले में उनको काम करना पड़ेगा। तो मैं इनसे आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, वो वादा कहाँ गया? दूसरी बात कहें, बच्चियों के लिए इन्होंने कहा था कि जो बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज जाती है उनके लिए जो बसेज होगी उसमें स्पेशल एक गार्ड की सुविधा भी होगी, लेकिन आप पूछना चाहते हैं गार्ड की सुविधा तो दूर की बात है, और बलात्कार की अगर बात करें प्रदेश के अंदर तो मेरे ख्याल से पिछले साल के 10 साल के शासनकाल से भी जो
परसेंटेज है वो बड़ी है, क्योंकि जो कानून व्यवस्था है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईमानदार है, लेकिन ईमानदार आदमी को करोगे क्या कि जब प्रशासन पे उसकी पकड़ी ना हो। अधिकारियों की लगाम खुली है और जो बिल्कुल इसके मानते नहीं है, आम पब्लिक के साथ साथ इनके जो विधायक हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी रो रहे हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि अगले साल जो 90 सीटों पे जो चुनाव होगा, ये कह रहे हैं कि हम दूसरी बार सरकार बनाएंगे। मैं समझता हूँ इनको कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा, तो जनता भी इस इलेक्शन को उड़ीक में है कि चुनाव जब होंगे तो हम जो इन्होंने वायदे किए थे पब्लिक के साथ, इनको इस बात का जो खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। अब चलो, जसवीर सिंह जी, आपने भी ये कहा भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ कोई प्रतिनिधि नहीं है, हमने कुछ लोगों से बात भी की थी, कुछ ने आना भी था लेकिन नहीं आ पाए। लेकिन मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात बीच में टोकूं भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी इसलिए नहीं आया कि उनको फेस करने का उनके मादा नहीं है, फेस कर नहीं सकते क्योंकि वायदे जो उन्होंने पब्लिक के साथ किए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं आए। मुख्यमंत्री की रैली की वजह से व्यस्त भी हों, लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूंगा। उषारलाल जी ने कहा स्वामीनाथन आयोग की बात की, केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बात कह रही है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट आई थी उससे 6 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया, ये तो ये दावा कर रहे हैं। खास तौर पे अपना कॉटन बेल्ट है, 1100 रुपये कॉटन पे बढ़ाने की बात कर रहे हैं और बाकी फसलों पे भी, बाजरे पे शायद 1400 रुपये बढ़ाया है। तो इसके अतिरिक्त हमें एक जो हमें सभी को, सारी पब्लिक को, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है चाहे है, उनको जो दिखाई दे रहा है वो नेशनल हाईवे जो 9 है, वो जो सड़क दिखाई दे रही है पिछले 1.5 वर्ष में बनी है, शायद ये दो काम तो मुझे भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पंडित जी को और जसवीर सिंह जी को ना दिखाई दे रहे हों। तो पंडित जी क्या मानते हैं, अभी 4 सालों में एक भी कोई काम ऐसा नहीं किया इन्होंने जिसको आप गिना सकें? ऐसा है, कांग्रेस के राज के अंदर, केंद्र के अंदर हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी ने मुंदरे का लागू की, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात थी। और हरियाणा के अंदर 10 साल जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतने काम किए कि जमींदार को 24 घंटे बिजली मिलना, ट्यूबवेल के 25 पैसे ट्यूबवेल का, ढाणियों में लाइटें, आपका 5 किलो कणक, 2 किलो दाल, 2.5 किलो दाल, 1 रुपये किलो बाजरी, ये हमने शुरुआत की थी। और अपने दलितों के लिए टूटी टंकी, पानी, बिजली का मीटर फ्री दिया। मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। तो कई बार होती है नहीं करती दूसरे को, मोदी जी ने नारे दिए 15-15 लाख की। मैं एक गांव में गया, ताजिया गांव में, एक चौधरी कहने लगा दादा क्या मैं तो मोदी लोग ले बैठे, बोले किया, बोले 15-15 लाख का वायदा कराया, माता घर में 10 जी 1.5 करोड़ क्या होगा। उन्होंने झूठ बोल के लोगों के वोट ले लिए और अब पछता रहे लोग। तो मैं इन्होंने जो हमने कहा, इन्होंने सड़क, आपने सड़क की बात कही, सड़क के अंदर जो बना रहे हैं ये हमारी योजना थी, और सड़क में इनका क्या लग रहा है, इन्होंने जगह जगह टोल टैक्स बना दिए, जो गाड़ी लो आप उस पर टैक्स लगता है। आप एक मिनट, नहीं है पंडित जी, एक मिनट जवाब, डीजल पेट्रोल पे 2 रुपए लीटर जो है वो काट रहे हैं ठेकेदार को, लग रही है। आप उत्तर दे देना, क्या 2014 में मोदी से पहले इस देश में टोल टैक्स नहीं लगा हुआ था, इसका उत्तर दे देना। कहाँ था आप ही जाते हो, दिल्ली जाते हो, कहाँ था टोल टैक्स? दिल्ली में साफ नहीं, आप बता दीजिए मुझे। गुड़गांव में टोल टैक्स था, हाईकोर्ट ने बंद बंद हो गया। गुड़गांव वाला एक हाईकोर्ट ने एक, आज कितने आज के टोल टैक्स आप ये बता दीजिए। सड़क ही बनी है तो टोल टैक्स लगेगा, सड़क दिल्ली की सड़क ही नहीं थी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं टोल टैक्स बताओ। वास्तव में कांग्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं वोट नहीं दिए वो अलग बात होती है, कई काम हो जाते हैं। जसवीर सिंह जी, आपका क्या मानना है, कोई एक भी काम इनका करने योग्य है, उल्लेख करने योग्य है? पहली बात तो जो मैं कहता हूँ, अगर इन्होंने अच्छे काम करे होते तो मेरे ख्याल आज इनको, जैसे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, इनको जो आज जिन लोगों के पास जा रहा है, जैसे बॉम्बे में आपने टीवी में देखा होगा कि जो एक्ट्रेस हैं उनके पास जा रहा है, कहीं कोई और भी जो अभिनेत्री, जैसे कोई अपने गायक थी वो क्या नाम बोलते हैं, लता मंगेशकर, मतलब इन्होंने काम करे होते तो मेरे ख्याल में इनको जे
ना करना पड़ता सारा कुछ, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं ना उनकी एक्चुअल वोट परसेंटेज अगर देखें तो उनकी वोट परसेंटेज पोल होती नहीं, उनकी 30 और 35 में रह जाती है। असली जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि असली जो हिंदुस्तान है ग्रामीण अंचल में रहता है, तो ग्रामीण अंचल में क्यों नहीं विजिट करते, तो वहां विजिट करते फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, जो उनकी तो वोट पोल ही नहीं होती। चलो आप दोनों नेता, दूसरी बात जो आपने कही, एक भाई साहब से आपने क्वेश्चन किया कि क्रॉप की बात के इन्होंने जो MSP है बढ़ाने का काम किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि MSP जो बढ़ाई आप कह रहे बाजरे की और कॉटन की, सरसों में भी बढ़ाई थी इन्होंने MSP 4000 रेट कहा था इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन आप मानते हो कि कितनी सरसों MSP पे बिकी है? 95% लोग जो हैं 3200 रुपये में सरसों मतलब उनकी आड़तियों के थ्रू बिकी है, और वही आड़तियों ने उन्हीं 3200 रुपये फार्मर से खरीद के 4000 रुपये सरकारी दुकान पे बेचने का काम किया है। बाकी जो बात कह रहे हो बाजरे की और 1200 बाजरे की, आप बताओ मक्की की बात करते हो तो इनकी मार्केट कहाँ है? मार्केट ही नहीं है। MSP बढ़ा जरूर थी लेकिन खरीदने वाला तो नहीं है, खरीद एजेंसी नहीं है। सरसों को पंडित जी, अंत में मैं आप दोनों से एक एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि कल ही सारे राष्ट्रीय चैनलों पे एक सर्वे आया, उस सर्वे में हालांकि भाजपा की सीटें कुछ कम दिखाई हैं, लेकिन फिर भी वहां जो भाजपा की सीटें हैं 240 के लगभग भाजपा की सीट दिखा रहे हैं और 275 NDA की सीट दिखा रहे हैं, जबकि UPA की केवल 160 सीट और कांग्रेस की 85-86 सीट दिखा रहे हैं। तो मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है, जैसे यूपी में कांग्रेस मुलायम सिंह जी की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या हरियाणा में भी ये संभव है कांग्रेस और इनेलो और बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का पहला ही समर्थन है, भी आपका बहुजन समाज पार्टी से यूपी में है, इनका यहाँ है, क्या आप इकट्ठे हो सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, उसको हराया जा सके? नहीं, ये जो बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष की बातें चल रही है, विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो इसमें जो बीजेपी के खिलाफ कोई भी पार्टी आ सकती है, आपने जो बात कही अभी भी बीजेपी की सर्वे में दिखा रहे हैं, बीजेपी की पिछली बार आपको याद नहीं है भाटिया जी 200 कल्ली बीजेपी की 282 सीट आई थी, आज आप इनकी 240 से भी कम दिखा रहे हैं, सरकार से बहुमत से 17 या 25 सीटें कम दिखा रहे हैं, आप मुफ्त में वकालत कर रहे हैं बीजेपी की। किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं आपका बता रहा हूँ, आज भी 25 सीटें बहुमत से दूर जा रही है, और जो बीजेपी 282 से भी नीचे जा रही है, अभी तो सवाल पड़ा चुनाव का, अभी तो चुनाव चल रहा है, अभी राजस्थान का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, इनमें तो इनका ग्राफ और गिरेगा, सीटों को चेंज लाइन की ओर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आप जीत सरकार में आए, आप जीत बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, सरकार केंद्र में आएगी बीजेपी की सरकार, ने हरियाणा में आएगी कहीं नहीं, बीजेपी के तो लोग लक्ष लेकर तैयार खड़े सुपड़ा साहब करेंगे जब भी चुनाव होगा, लेकिन आपके साथ भी पब्लिक नहीं है, नहीं है। सर्वे आया है, आप तो 200 सीटें दूर नहीं, हम तो नहीं, सारा विपक्ष एक बड़ा सवाल का, सारा मैं बता रहा हूँ सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, अरे बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, विपक्ष की सरकार, अच्छी बात है विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, लेकिन क्या आप दोनों दल इकट्ठे हो सकते हो? मुझे कोई पता नहीं, ये तो वक्त की बात है, हाथ में बात है, बीजेपी के ये भी खिलाफ है, बीजेपी के भी खिलाफ है, आपने क्वेश्चन किया, मैं कहता हूँ कि अगर कांग्रेस अच्छी होती तो चौधरी देवीलाल उस पार्टी को क्यों छोड़ते, हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती, जहां तक गठबंधन की बात है मायावती से हमारा समझौता है, और अगर केंद्र में प्रयास यही है कि जो थर्ड फ्रंट है वो सरकार बनाएगा और मायावती बहन जी जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, जहां तक इनके नेता की है जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की बात करते हैं, तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर जो हुई है घटना करी है उन्होंने, एक बिचकाना हरकत करी है जो, तो मेरे ख्याल तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, हिंदुस्तान की पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है कि ऐसे लोगों को नेता मान के उनको वोट देने का काम करेगी। अगर राहुल गांधी नहीं बनेगा तो नरेंद्र मोदी बनेगा, नरेंद्र मोदी क्यों बनेगा, और नहीं है विपक्ष, थर्ड फ्रंट नहीं है, 29 स्टेट है, आपका ये मानना है भी आपका कांग्रेस से कोई समझौता नहीं है? नहीं, हमारी विचारधारा दोस्तों आज इतना ही,
इससे दोनों नेताओं से बातचीत में ये स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस का कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि इनेलो पार्टी जो है वो राहुल गांधी को राजनीति में भी बच्चा ही मानती है। हालांकि पंडित जी कह रहे थे भी शायद विपक्ष इकट्ठा हो जाए, तो आज की इस बातचीत में कम से कम आज की परिस्थितियों में ये नहीं दिखाई देता भी विपक्ष जो है हरियाणा में कम से कम एकजुट होगा। नमस्कार।